नमस्कार दोस्तों, और पेश बांसल आर्मी लिमिटेड में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फाजिलका के गांव रामकोट में पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पर पानी के बिना फसल खराब हो गई है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। खेतों में खड़ी फसल सूख गई है, जिससे गांववासी बेहद परेशान हैं। इनका कहना है कि नहरी विभाग द्वारा उन्हें पानी पूरा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते पानी खेतों में नहीं पहुंच रहा, फसलें खराब हो चुकी है। गांव की 95% फसल पूरी तरह से सूख गई है। देखिए इस प्रकार से यहां पर ग्रामीण रोष जता रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही, उन्हें सेम नाले से गंदा पानी उठाकर अपने खेतों में लगाना पड़ता है, जिसका अतिरिक्त खर्च भी उन्हें अदा करना पड़ता है। लेकिन सरकार द्वारा इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन्हें न तो कोई मुआवजा दिया जा रहा है और न ही पानी पूरा दिया जा रहा है, जिससे वे भुखमरी के कगार पर है। इनके द्वारा डीसी दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल भी की गई थी, तब प्रशासन द्वारा इन्हें पानी पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पानी पूरा नहीं किया गया, जिससे खेतों में फसल सूख गई है। इनमें रोष पाया जा रहा है। इनका कहना है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर रोष पाया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों में बेहद रोष है। आरपीएल मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये बताएं, समस्या ये है सर, हमारे 95% फसल खराब हो चुकी है, जिसके बारे में डीसी साहब से मिले थे शुक्रवार को, उन्हें लिख के भी दिया है। हमारे 95% फसल खराब है और उसकी जांच करवाई है, क्या कारण है जी, और हमें मुआवजा भी दिया जाए जी। कारण क्या है, आपके द्वारा क्या कारण बताया जाए? मुख्य कारण तो हमारे पानी की समस्या है। पानी की समस्या के बारे में मैं भी आगे भी मरणवर्त पे बैठा था, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। उसके बावजूद हमारे गांव में वोटों के भी बाइकाट हुआ, आधी वोटें नहीं पड़ी जी, फिर भी उसके बाद भी हमारी फसलें हैं जो खराब है। फसल खराब होने के कारण किसानों को नुकसान है काफी भारी संख्या में। ठेका है हमारे यहाँ 22,000 रुपये, 24,000 रुपये, जो आम पंजाब में चल रहा है 40,000 रुपये। पानी की ना होने के कारण ये ठेका 24,000 रुपये रह जाता है। फिर हमारे 4.5 लीटर घंटे का ट्रैक्टर तेल लेता है, उसका भी खर्चा अलग से पड़ता है। सेम नाले से हम पानी उठाते हैं, अब सेम नाले में बरसात का पानी आ गया तो हमारे 85% बिजाई हो जाएगी। अगर सेम नाले में पानी नहीं आता तो 85% बिजाई नहीं हो पाती जी। आपको गवर्नमेंट से कितने हिस्से पानी मिलता है? हमारे को 12 हिस्से पानी बोला गया है। तो मिलता कितना है जी, एक्चुअल में क्या? एक्चुअल में 2 हिस्से पानी था, और धरना लगाने के बाद 4 हिस्से पानी हो गया जी, और वापस वही कंडीशन आ रही है, वही स्थिति आ रही है, वापस पानी कम हो रहा है। रात को पानी बिल्कुल कम हो जाता है, पीछे चोरी भी बहुत होती है। हमारे जो धरने का साइज बताया गया था धरने पे, उसके पहले मैंने आरटीआई लगाई, उसमें कोई साइज हो, उन्होंने बोला भी आपका साइज सही है करके लगवा दिया है। उसके बाद मैंने धरने पर बैठा 2 महीने बाद, तो उसमें लिखा है भी आपका धरना सही होने वाला है। अब हमारे को नहीं पता एक्शन साहब किस चीज में झूठ बोल रहे हैं, या तो धरने पर बैठे तब झूठ बोला है या आरटीआई में झूठ बोला है। खुद भी कभी हमें मुआवजा दिया जाए स्पेशल गिरदावरी करवा के, और जो हमारा कारण है एक्चुअल में लिखती रूप में दिया जाए भी किस कारण हमारी फसलें खराब हुई है। हमारे लगभग 40 साल से यही हाल है। अब ये मौका है, पहले इन्होंने बोल दिया अब आपके पास सबूत नहीं है, तो अब हमारे पास सबूत है 95% फसल खराब है, वो मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात है, हमारे बैंकों के किस्त आती है हर 6 महीने, जो पैसा आता है वो किस्त, अब ब्याज सरकार भरेगी, हम नहीं भरेंगे। कोई भी बैंक कर्मचारी अगर हमारे किसानों को आके तंग करेगा तो वो अपने आप जिम्मेवार होगा, जो भी कार्रवाई होगी। हम उसे अब बख्शने वाले नहीं है किसी को, आगे ढील मूल की कार्रवाई हो चुकी है, हम तंग है, लास्ट में मरने के कगार पर हैं हम। अब हमारे पास कोई नहीं है, अगर हमारे किसान में किसी की मौत होती है तो सारा प्रशासन जिम्मेवार होगा। ये किस तरह से देवेंद्र सारन द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं, उनका कहना है कि पानी नहीं होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई है जी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आपके गाँव की क्या समस्या है हमें बताएं? यही है जी, पानी की समस्या है, पानी की वजह से हमारे फसलें नहीं हो रही है। अब की बार तो बिल्कुल भी फसल नहीं है, बरसात भी नहीं आई, उसके कारण बरसात की वजह से थोड़ी बहुत फसल होती थी, अब वो भी नहीं हो रही है जी। सर, किस किस तरह की फसलों की बिजाई आपके गांव में होती है? हमारे ग्वार, मूंग, नरमे की जी। तो नरमे के लिए तो कहते जी पानी ज्यादा जरूरत ही नहीं होती,
नरमे के लिए चार पानी तो चाहिए, वो भी नहीं है हमारे पास तो। जी तो सर आप क्या मिले थे फिर डीसी साहब से? डीसी साहब से भी मिले थे, उन्होंने यही कहा था पानी पूरा हो जाएगा। एक्शन साहब से मिलिए, वो उन्होंने यही दिया था पानी पूरा, फिर भी नहीं हो रहा हमारे। जी देखिए किस तरह से गांव वासियों का कहना है कि पानी पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। हम ग्रामीणों से पूछ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। जी क्या नाम है आपका? जैल सिंह। जैल सिंह जी आपके गांव की क्या समस्या है, किस तरह से फसलें आपकी खराब हुई? फसलें पानी के बिना ही है, और की समस्या पानी की कमी है, बरसात भी नहीं हुई है, अगर बरसात ने कुछ ना कुछ बन जाती जी, पानी बिल्कुल ही नहीं। जी क्या मांग है आपकी? मांग पानी की है, अगर मुआवजा दिता जाए सानू जी फसल खराब हुई हो। जी ये देखिए किस तरह से किसान अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जी देवेंद्र जी अगर ये सरकार हमें 12,000 रुपये जो मुआवजा बोल रहे हैं वो दे रही है, हमारी पूर्ति नहीं होती है उससे। जिन जिम्मेदारों ने ठेके पे लिया है उन्होंने खर्चा भी लगाया है, 4,500 लीटर घंटे का तेल लेता है, तो उसका भी नुकसान है, हमारी भरपाई नहीं होगी, पर थोड़ी मदद हो जाएगी हमारी भी, हम रोटी खाने जैसे हो जाएंगे।